Hello everyone, welcome to the video lecture series of analog circuits. The subject code is KEC402 and here we are in lecture number 40. So in the previous lecture, hum log baat kar rahe hain unit number 4, that is your current mirror based circuit. Aur current mirror based circuit mein humne ab tak baat kari BJT current mirror ki, jahan humne BJT basic current mirror dekha hai, modified version dekha hai, Widlar's current source and Wilson current source ke bare mein baat kari hai. Now in this lecture हम लोग start करने जा रहे हैं MOS current mirror. जी हाँ, current mirror concept वही रहेगा, that particular circuit जो कि आपका output current input current के equal कर देता है. But यहाँ हम पढ़ने वाले हैं MOS based current mirror structure, तो उसे देखेंगे, plus बात करेंगे VI characteristics of current mirror की और output resistance current mirror का कैसे calculate करते हैं. तो चलिए इन सभी topic को जानने के लिए अपना lecture start करते हैं on MOS current mirror. So MOS करंट मिरर, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, करंट मिरर कॉन्सेप्ट वही है, एक ऐसा सर्किट जिसमें कि आउटपुट करंट जो है वो हमारा इनपुट करंट के इक्वल बन जाता है, राइट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट मिरर. यहां पे आप देखेंगे तो सेम डायग्राम है, बस कॉन्सेप्ट क्या चेंज हुआ है, अब तक हमने यहाँ पे बीजेटी की बात की थी, वो बीजेटी यहाँ पे रिप्लेस हो गया, दिस इज अ एनमॉस सर्किट. तो यहाँ पे जो Q1 Q2 है वो आपके MOS ट्रांजिस्टर है, यानी कि एनमॉस सर्किटरी है, दोनों सेम बेस, मतलब एक तरह से यहाँ पे मैं बोलूंगा गेट टर्मिनल, तो दोनों के गेट टर्मिनल आपस में कंबाइन है और एक ड्रेन टर्मिनल से शॉर्टेड है, राइट. तो सेम चीज हमने बीजेटी में जो देखी है वही यहां पे है, बस यहां पे डिफरेंस क्या आता है, अगर डिफरेंस की बात करूं तो बीजेटी वहां पे एक्टिव रीजन में ऑपरेट होता है, बट यहां पे MOS जो है हमारा सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट होता है, राइट. और दूसरी चीज हमने MOS में भी पढ़ी है, MOS के अंदर आपके जो तीन करंट होते हैं, जो आईडी होता है दैट आईडी, और यहां पे हमारा गेट करंट फ्लो करता है दैट आईजी इज ऑलवेज जीरो, हम गेट करंट को जीरो मानते हैं. MOS में एक्चुअली क्या वेरी करता है, MOS में एक्चुअली गेट वोल्टेज कॉन्सेप्ट में आती है, राइट, VGS. तो अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, वही चीज मैंने लिखी भी है कि द ड्रेन ऑफ Q1 इज शॉर्टेड टू द टू इट्स गेट, यानी कि जो ड्रेन है, जो इस Q1 ट्रांजिस्टर का जो ड्रेन है वही उसके गेट से शॉर्टेड है, जिस वजह से ये जो MOS है ये अपने सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है, और जब सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट होता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ड्रेन करंट, द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट इज गिवन बाय हाफ ऑफ के एन डैश डब्ल्यू बाय एल VGS माइनस VT होल स्क्वायर. ये इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी जिसकी MOS के में ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज में क्या रिलेशन फ्लो करता है, जहां पे के एन डैश एक कॉन्स्टेंट था, डब्ल्यू बाय एल इज योर चैनल विद एन लेंथ मॉड्यूलेशन, राइट, VGS इज द गेट वोल्टेज एंड VT हमारी होती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, राइट. सो अगर हम बात करें, ये हमारी ड्रेन करंट की इक्वेशन है. दूसरी चीज मैंने भी आपको बोला कि यहां पे गेट करंट क्या होता है, हमेशा जीरो, तो इसके अंदर ये जो आई रेफरेंस, यानी जो सोर्स से करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आईडी वन के, यानी दिस आई रेफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, दिस आई रेफरेंस इज इक्वल टू आईडी वन, और यही आईडी वन किसके इक्वल होने वाला है, आई नॉट के, बिकॉज क्योंकि ये दोनों जो MOS ट्रांजिस्टर है, जो Q1 और Q2 हमने लगाए, दीज आर आइडेंटिकल, क्योंकि बिकॉज दोनों के गेट सेम वोल्टेज में है, दोनों का VGS सेम है, तो इसलिए ये जो दोनों करंट है एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं. तो इसके बाद मैंने यहां पे क्या नोट करना है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई रेफरेंस, आई रेफरेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग द KVL. तो KVL कैसे लगाते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वोल्टेज VDD माइनस यहां पे ड्रॉप आएगा आई रेफ इनटू आर, उसके बाद हम MOS को यहां पे भी क्रॉस नहीं कर सकते, वही सेम चीज, ड्रेन टू सोर्स नहीं जाएंगे, हम कहां जाएंगे, गेट टू सोर्स, यानी मुझे गेट टू सोर्स को क्रॉस करना है. सो अल्टीमेटली मेरा KVL कैसे लगेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम VDD माइनस आई रेफरेंस इंटू आर माइनस ऑफ दिस VGS कॉन्सेप्ट, तो VGS इज इक्वल टू जीरो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई रेफरेंस बिकम, आई रेफरेंस बिकम VDD माइनस VGS डिवाइड बाय आर, और यही आई रेफरेंस किसके इक्वल है, यही आई रेफरेंस आपका आईडी वन के इक्वल है, बिकॉज यहां पे गेट पे कोई करंट फ्लो नहीं करता है, राइट. सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ आईडी वन. अब क्यों वही चीज मैंने बोला, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर Q2 जो है इट हैज सेम VGS एज Q1, जो हमारा Q2 MOS है, जो Q2 ट्रांजिस्टर है वो एक तरह से Q1 और Q2 में दोनों की वोल्टेज सेम है, तो इट विल ऑल्सो ऑपरेट इन द सेचुरेशन रीजन, और अगर ये सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है तो इसका ड्रेन करंट कैसे लिखूंगा, इसका ड्रेन करंट जो कि अल्टीमेटली आई नॉट है, दैट इज रिटन एज हाफ ऑफ के एन डैश डब्ल्यू बाय एल टू VGS माइनस VT, यानी इसका चैनल लेंथ तो अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए यहां पर डब्ल्यू बाय एल को सेकेंड MOS दिया गया, सेकेंड ट्रांजिस्टर. तो अब अगर मुझे इन दोनों करंट में रेशियो कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई नॉट बाय आई रेफरेंस, आई नॉट किसके इक्वल है, आई नॉट ID2 है, और आई रेफरेंस किसके इक्वल है, ID1 के इक्वल है, तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं व्हाट इज द ID2 डिवाइड बाय ID1, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं आई नॉट डिवाइड बाय आई रेफरेंस, राइट, बिकॉज दिस ID2 इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट, एंड दिस ID1 इज इक्वल टू व्हाट, आई रेफरेंस. तो ID2 की वैल्यू तो ये हो जाएगी,
और डिवाइड बाय आईडी वन की वैल्यू, यानी क्या है आईडी वन की वैल्यू हमारे पास ये है, दिस द वैल्यू ऑफ आईडी वन, सो यही आईडी वन की वैल्यू आप यहां पे रख देंगे इसके अपॉन में, तो हाफ ऑफ के एन डैश डब्ल्यू बाय एल वन एंड वीजीएस माइनस वीटी होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या बचने वाला है, हाफ के एन डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, वीजीएस माइनस वीटी होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा डब्ल्यू बाय एल टू डिवाइड बाय डब्ल्यू बाय एल वन, और इस चीज को हम यहां पे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड करंट गेन और करंट ट्रांसफर रेशियो। जी हाँ, आउटपुट करंट कितना इंक्रीमेंट हो रहा है या किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट करंट, ये फॉर्मूला वो चीज शो कर रहा है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द करंट गेन, राइट। और ये करंट गेन डिपेंड किस पे कर रहा है, दिस इज ऑन ज्योमेट्री। तो अगर हम यहां पे बोले कि दीज टू ट्रांजिस्टर आर आइडेंटिकल, मींस इनमें चैनल लेंथ और विथ जो है वो सेम है, तो उस केस में इनकी ज्योमेट्री सेम हो गई, और ज्योमेट्री सेम होने पे हम क्या बोलेंगे दैट आई नॉट इज इक्वल टू आई रेफरेंस। इसी वजह से इसका नाम दिया जाता है करंट मिरर, कि जब आपकी ज्योमेट्री सेम हो गई तो उस केस में आपका इनपुट करंट आउटपुट करंट के इक्वल हो जाता है, मिरर इमेज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, हेंस द नेम गिवन एज करंट मिरर, राइट। सो कॉन्सेप्ट मॉस के अंदर मॉस वाला लगेगा, बट अगर मैं बेसिक वर्किंग की बात करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो बीजेटी बेस्ड जो वर्किंग हमने देखी है वही सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है, राइट। अब अगर मैं इसके आगे बात करूं, सो यहां पे आपके जो सिलेबस में भी टॉपिक मेंशन है, दीज आर कॉल्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करंट मिरर, या कितनी मिनिमम सस्टेनेबल वोल्टेज, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, वो सब चीजें अगर मैं दिखाऊं, तो इन द सेम मॉस, अब इसी सेम मॉस में बात करता हूं कि अगर मैं कहता हूं Q2 को मुझे सेचुरेशन में रखना है, और ये चीज हम मॉस में पढ़ चुके हैं कि पर्टिकुलर मॉसफेट सेचुरेशन में कब आता है, व्हेन द आउटपुट वोल्टेज, यानी ये जो यहां पे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लगती है दैट इज कॉल्ड द आउटपुट वोल्टेज, ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हमारी होनी चाहिए वीजीएस माइनस वीटी से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड द बेसिकली थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब हमारी आउटपुट वोल्टेज वीजीएस माइनस वीटी से ज्यादा होगी तभी ये क्यू टू हमारा किसमें आएगा सेचुरेशन में, और जब ये क्यू टू सेचुरेशन में होगा तभी एक तरह से करंट दोनों की इक्वल कहलाएंगी और हमारा करंट मिरर वर्क करने वाला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट मिरर ये तभी बनेगा जब क्यू टू हमारा सेचुरेशन में, और क्यू टू कब सेचुरेशन में आएगा व्हेन वी नॉट इज वीजीएस माइनस वीटी से ग्रेटर होगा। तो यही जो मिनिमम वोल्टेज है कि मिनिमम आउटपुट की वोल्टेज इतनी होनी चाहिए क्या VGS माइनस VT, तभी उस वोल्टेज पे आपका एक ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में आएगा और करंट मिरर बनेगा। तो इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं मिनिमम आउटपुट वोल्टेज या मिनिमम सस्टेनेबल वोल्टेज, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज वी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी ओ वी, तो ओ वी यहां पे क्या है, दिस इज कॉल्ड द ओवरड्राइव वोल्टेज, जिसे बोलते हैं VGS माइनस VT, दैट इज कॉल्ड द ओवरड्राइव वोल्टेज। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम सस्टेनेबल वोल्टेज या व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन रिस्पेक्ट टू योर करंट मिरर, तब आप उस केस में ये फॉर्मूला वहां पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब अगर आगे मैं चलूं तो यहां पे मैंने दिखाया है इफ वी कंसिडर Q1 एंड Q2 आर आइडेंटिकल, राइट। अब हम बात करें Q1 और Q2 कैसे हैं, आइडेंटिकल है। सो आइडेंटिकल के केस में हमने अभी क्या पढ़ा, आई नॉट इज इक्वल टू आई रेफरेंस हो जाएगा, दैट मींस इन दोनों डिवाइस का जो VDS है, इसका भी VDS और इसका भी VDS, वो दोनों सेम होंगे, राइट। इन दोनों का VDS क्या होगा, सेम होगा। और MOS में अगर आपको याद हो तो MOS में अगर आप VDS कैलकुलेट करते थे तो VDS इज बेसिकली एक पैरामीटर हम लोगों ने पढ़ा था कि GM जो होता था ट्रांस कनेक्टेंस दैट इज इक्वल टू ID अपॉन VGS, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VGS बिकम VG ID बिकम ID बेसिकली बन जाएगा GM इनटू VGS, राइट। और ड्रेन वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्रेन वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस आईडी करंट, राइट। सो अगर आईडी एक तरह से जीएम वीजीएस है, जीएम को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो वीजीएस एक तरह से किसके इक्वल है, किस पे डिपेंड कर रही है, दिस आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स ऑन दिस वीजीएस। अगर ये वीजीएस ऑपरेट होगा तभी तो आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगी ना, अदरवाइज आउटपुट वोल्टेज जनरेट ही नहीं होगी। तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं, करंट दोनों में सेम जा रही है, दैट मींस दोनों की वीडीएस सेम है एंड दैट वीडीएस इज इक्वल टू बेसिकली वी नॉट। वी नॉट किसके इक्वल है, वी नॉट आपकी इस गेट सोर्स वोल्टेज यानी वीजीएस के ही इक्वल है। अब अगर मैं वी नॉट को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो ये आउटपुट करंट बढ़ता है एंड दिस इज कॉल्ड द वीआई कैरेक्टरिस्टिक रिलेशनशिप। तो अगर मैं यहां पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक को शो करूं तो दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आप देखोगे कि आउटपुट वोल्टेज व्हेन इट इज इक्वल टू द वीजीएस, जब आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल है, वीजीएस के इक्वल है, देन हमारे दोनों मॉस ऑन हो गए एंड इन दिस केस द करंट आई नॉट इज इक्वल टू आई रेफरेंस। और उसके बाद अगर आप इसके बाद वी नॉट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं देन योर करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, इसमें कुछ ना कुछ स्लोप आता है एंड दैट स्लोप इज गिवन बाय 1 बाय आर नॉट, वेयर आर नॉट क्या है, आर नॉट हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जो कि ट्रांजिस्टर क्यू टू का है।
और जिसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ करंट मिरर, आउटपुट ऑफ द करंट मिरर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मुला आर इज इक्वल टू बेसिकली आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट करंट चेंज, राइट। तो इसे हम डिनोट करते हैं वी ए टू बाय आई नॉट, वेयर वी ए टू इज कॉल्ड द अर्ली वोल्टेज ऑफ क्यू टू विच डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजिस्टर चैनल लेंथ, यानी आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन पे आपकी अर्ली वोल्टेज डिपेंड कर रही है। और आई नॉट क्या है, आई नॉट इज बेसिकली आउटपुट करंट। तो अगर आपको इस आर नॉट यानी आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये अर्ली वोल्टेज आपको क्वेश्चन में गिवन मिलती है, स्पेसिफिकेशन में गिवन होती है। आउटपुट करंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे, अभी हमने पढ़ा बिकॉज इज करंट मिरर, तो व्हाट इज द आउटपुट करंट वैल्यू, दिस आउटपुट करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस आई रेफ, यानी कि इनपुट करंट की इक्वल ही होती है ना। और इनपुट करंट कैसे कैलकुलेट करता हूं, वो हम केवल लगा लेंगे इस रेजिस्टेंस आर की वैल्यू को पुट करके, वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस आईडी1, राइट। सो यहां पे बेसिकली आपको आई नॉट पता है, अगर आई नॉट एक बार पता चल गया देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस, राइट। सो आई होप आफ्टर लर्निंग दिस आप लोग बेसिक मॉस करंट मिरर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बना होगा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखने को आता है, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको शो करी है कि बेसिकली किस तरह से करंट वैरी करता है, क्यों वैरी करता है, ड्यू टू दिस आउटपुट रेजिस्टेंस, जिस वजह से अगर आपका आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज करता है बाय दिस फॉर्मूला, राइट। सो अगर इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक आपको पेपर में आता है तो इतना आई थिंक सफिशियंट है, अगर आपने इतना समझ लिया तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा जो आगे हम यूज करने वाले हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूं तो मॉस करंट बेस पे ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विल्सन करंट मिरर, और इसी मॉस करंट सोर्स का मैं यूज करूंगा जब हम एक करंट मिरर को डिफरेंट लोकेशन पे हम करंट को पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टीयरिंग सर्किट। सो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मॉस स्टीयरिंग सर्किट की और विल्सन मॉस करंट मिरर की, जो हमने बीजेटी में भी पढ़ा था, विल्सन बीजेटी करंट मिरर, राइट। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।